Our topic is site of photosynthesis. Photosynthesis होता कहाँ पे है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हम जानते हैं कि पत्ते जो है इसमें यहाँ पे होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पर पत्तों में क्या होता है अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, यहाँ पे इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है। ये है इसका क्यूटिकल, इसके अंदर यहाँ पे मिलता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब बाहर की लेयर। उसके बाद ये है एंडोडर्मिस, इस एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है। ये स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एंडोडर्मिस, इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल कहलाते हैं पेरेंकाइमेटस सेल या पेरेंकाइमेटस उत्तक। ये बहुत पास अरेंज होते हैं यहाँ पे, जबकि जैसे ही हम नीचे पहुंचते जाते हैं, जैसे ही हम नीचे पहुंचते हैं तो ये दूर दूर हो जाते हैं, लूजली अरेंज। ये है पेरेंकाइमेटस सेल्स, और इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं मेसोफिल सेल्स। इसे मेसोफिल इसलिए कहा जाता है, मेसो मतलब होता है बीच में, बीच। और फिल मतलब होता है पत्तियां, फिल मतलब होता है पत्तियां या लीव्स। तो इसलिए मेसोफिल सेल, इसको कहते हैं मेसोफिल सेल्स, मतलब ये पत्तियों के बीच के हिस्से में होते हैं, इसलिए ये कहलाता है मेसोफिल सेल। हर एक सिंगल सेल जो है वो कौन सी है, पेरेंकाइमेटस सेल्स है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे प्रेजेंट होता है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में होता है जाइलम, फ्लोएम। अब हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो अगर हम इस पूरे पेरेंकाइमेटस सेल या इस पूरे मेसोफिल सेल में से किसी भी एक मेसोफिल सेल को उठाते हैं, अगर हम किसी एक इस एक मेसोफिल सेल को उठाते हैं तो वो कैसा दिखेगा? ये एक मेसोफिल सेल है, इस सेल में ये इसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, फिर यहाँ पे इसके दूसरे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, फिर इस सात ऑर्गेनल में एक ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें बेसिकली प्रेजेंट होता है हमारा वर्णक क्लोरोफिल, मेन जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बाहर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का, इसमें दो झिल्लियां, दो मेम्ब्रेन्स होती है,
एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, अंदर की झिल्ली और बाहर की झिल्ली। इसके अंदर यहाँ पे ऐसे सिक्कों की तरह स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक जमा हुआ। ये एक के ऊपर एक जमा हुआ सिक्के का स्ट्रक्चर कहलाता है ग्रैना। ये है ग्रैना। और अगर सिर्फ एक इसकी बात करें, किसी भी एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये कहलाता है थायलाकॉइड। ये ग्रैना जो है ये ऐसे पाइप से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो है ये कहलाते हैं लामेली, क्योंकि और यहां इसमें जो द्रव्य प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा, क्योंकि ये लामेली जो है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रोमा लामेली। फिर यहां पे क्लोरोप्लास्ट के पास राइबोसोम्स होते हैं। दो अलग ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, हम जानते हैं कि राइबोसोम जो है वो सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन दो ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गेनल, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट है, जिस ऑर्गेनल के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये है राइबोसोम। और एक और ध्यान रखने वाली चीज है कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, तो वो जो डीएनए है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। मतलब कभी बात किया जाए कि न्यूक्लियस के बाहर भी अगर डीएनए प्रेजेंट है तो कौन कौन से ऑर्गेनेल में होते हैं, तो न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ और सिर्फ दो ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है डीएनए, एक है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसका डीएनए, ये कॉमन स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, एक बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। अब हम देख रहे हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट के कौन से हिस्से में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये है, हम थायलाकॉइड की बात कर रहे हैं, इस एक थायलाकॉइड की। अगर इस एक थायलाकॉइड को थोड़ा सा यहाँ पे डीपली देखें तो ये थायलाकॉइड में भी दो मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में यहां पे ये जो प्रेजेंट है यही है हमारा क्लोरोफिल। ये जो है ये है क्लोरोफिल। हमने देखा कि क्लोरोफिल ए बी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट, सबसे ज्यादा जरूरी वर्णक होता है फोटोसिंथेसिस के समय। तो वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, पत्ती में जो सेल्स होती है उस सेल के, जो मीजोफिल सेल है उस मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के थायलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में। यहां पे देखते हैं लीफ के पत्ती के मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में जो थायलाकॉइड होता है उसके इनर मेम्ब्रेन में, उसकी अंतर की अंदर वाली झिल्ली में यहां प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल।
और इसी क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसको हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि थायलाकॉइड क्या है और ग्राना क्या होता है। तो हम जानते हैं कि ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट में तो प्रेजेंट होता है, इतना हमें क्लियर है कि ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। लेकिन कंफ्यूजन होता है कि इसमें से थायलाकॉइड कौन सा है और इसमें से ग्राना कौन सा है। तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग अपनी दादी या नानी को ग्रैनी कहते हैं। ग्रैनी मतलब घर की बड़ी लेडी, तो जो बड़ा है, जो घर का बड़ा है वो ग्रैनी हुआ या ग्राना हुआ। तो इस स्ट्रक्चर में जो ये बड़ा हिस्सा है वो कहलाएगा ग्राना, और ये जो छोटा हिस्सा है, ये छोटा है तो अब इसको तो ग्रैनी वाली इज्जत नहीं मिलेगी, ये कहलाएगा थायलाकॉइड। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से कारक जो है वो प्रकाश संश्लेषण को अफेक्ट करते हैं। हमने उस वक्त अभी हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कौन कौन से फैक्टर प्रकाश संश्लेषण को अफेक्ट करते हैं, वो था लाइट, रॉ मटेरियल, वाटर, सब कुछ। तो हम बेसिकली देखेंगे कि लाइट का इफेक्ट इसमें कैसे होता है। क्लोरोफिल का हम देख रहे हैं और आगे हम फोटोसिंथेसिस सिस्टम में आगे पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल का इफेक्ट कैसे होता है, लेकिन हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लाइट के ऊपर।